हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बहुत वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो टाइम लगभग 2 बजे का है ये, और बहुत अच्छी धूप निकली है क्योंकि ना अंदर ही बैठी थी अभी और अभी निकली है। आजकल से ना धुंध पड़नी भी स्टार्ट हो गई है, 4-5 दिन से तो बिल्कुल ही धूप नहीं निकल रही थी, तो आज ही निकली है। और आज फ्राइडे है तो अभी मैं ये लेके आई हूँ अखरोट। तो मैंने सोचा चलो धूप निकल गई है, और सिर भी धोया था आज, गीला था बिल्कुल ही, तो मैंने सोचा चलो धूप में बैठते हैं थोड़ी देर, बाल भी सूख जाएंगे और साथ में भी खा लेंगे बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट से। शुक्रवार को तो फास्ट होता है मेरा, तो फास्ट है तो इसलिए खाना तो खाना नहीं, चलो यही खाते हैं। वैसे मैंने चाय पी ली थी और एप्पल भी रखी हैं, फ्रूट रखे हैं। फ्रूट खाने का मन कम ही करता है, बिल्कुल नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो अमरूद पसंद है बहुत ज़्यादा मुझे, लेकिन अमरूद है नहीं। सर्दियों में अमरूद है ना काफ़ी मीठे आए हुए हैं, टेस्टी टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे अमरूद सर्दियों में। और आए भी आजकल है ना बहुत मीठे आए हुए हैं, बहुत ही मीठे। तो एक गद्दा डाल लिया है मैंने धूप में। जी उसके बाद मैं यहाँ पर ले आई थी मेथी। तो मैंने सोचा चलो मेरी मेथी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो खाली बैठी क्या करूँगी, इसको ही साफ़ कर लेती हूँ। तो हरी हरी सब्जियाँ आजकल तो काफ़ी आई हुई थी, और जितनी ये खाने में बढ़िया लगती हैं उतनी साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लग जाता है साफ़ करने में। तो खाली टाइम में ही करती हूँ मैं, धूप में बैठ के ही करती हूँ ये सब, मतलब पूरा काम फिनिश होने के बाद, पूरा काम करने के बाद तभी मैं उठाती हूँ। और ये कल शाम को ही लाई थी, तो इसको साफ़ कर रही थी, और अच्छी भी लगती हैं, फ़ायदा भी करती हैं, और हमारी सेहत के लिए, हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मेरी मेथी भी जो है साफ़ हो गई थी, तो अब मैं अपने पौधों को संभाल रही थी। तो पौधों को तो आजकल जो है एक दिन छोड़ के एक दिन ही पानी देती हूँ, डेली पानी देने की तो ज़रूरत नहीं है, अब सर्दियाँ हो चुकी हैं। तो अब अंदर चलते हैं। इसके आने के बाद ना मैं अंदर आ गई थी, ये तकरीबन 3:30 बजे के आसपास आता है, तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। और है ना अब पीछे बड़ा घर बन गया है ना, तो धूप छत से जल्दी चली जाती है, पहले नहीं जाती थी, पहले ना काफ़ी लेट तक रहती थी, जब तक सूरज नहीं छिपता था ना तब तक छत पर धूप रहती थी। लेकिन अब जो ये पीछे घर दिख रहा है ना, ये बना हुआ, ये देखो तो दिख रहा है पीछे, तो ये बन गया। तो अब धूप बहुत कम रहती है, इतनी नहीं रहती। तो बस ये सभी चला गया ट्यूशन पे, टाइम हो गया है 4:05, और मिस्त्रियों की चाय लेके आई हूँ अभी। और यस को फिर मैंने आने के बाद खाना खुना दिया, उसने खाना खा के अभी चला गया ट्यूशन पे। ऐसे ही भगदड़ रहती है बच्चों के साथ, अब तो दिन भी छोटे छोटे हो गए हैं, स्कूल भी सुबह मॉर्निंग में लेट लगता है, और फिर आते भी लेट हैं, तो 3:30 बजे आता है, 4 बजे ट्यूशन जाता है, ट्यूशन सिर्फ 1 घंटे का होता है, 5 बजे आ जाता है फिर वो। तो मैंने मिस्त्रियों को चाय दे के आई हूँ, और सांस चढ़ गई। और क्या कह रही थी मैं, मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई, दूध गर्म किया है, क्योंकि व्रत वाले दिन में ज़्यादा चाय पीती हूँ तो एसिडिटी भयंकर वाली हो जाती है मुझे, तो मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, खासकर व्रत वाले दिन। वैसे तो हो जाती है 2-3 बार पी लेती हूँ सर्दियों में तो, लेकिन व्रत वाले दिन तो मैं बस 1 बार ही पीती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं। और मेरी भाभी ने कुछ बेचा है मेरे लिए, क्योंकि यस है ना उधर से ही आता है, उधर साइकिल खड़ा करता है हमारे घर के पास, मैंने उसका स्कूल दिखा रखा है ना, बिल्कुल पास में ही है। तो मेरी भाभी ने कुछ भेजा है, दिखाती हूँ क्या भेजा है। वैसे मैं ना भाभी नहीं बोलती हूँ मैं, मेरे से छोटी हैं दोनों, मैं उनको नेम नाम लेके ही बोलती हूँ, मुझे नाम लेके बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि नाम लेने से ना थोड़ा अपनापन सा दिखता है, तो मैं नाम लेके ही बोलती हूँ। तो भेजा है, दिखाती हूँ। वो स्कूल जाती है ना, तो वहाँ पर रास्ते में खेतों में अमरूद वाले बैठते हैं, तो उसने भेजे हैं यश के हाथ अमरूद, देखो कितने सारे। और मुझे ना टाइट टाइट से अमरूद पसंद है, ढीले अमरूद अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, टाइट टाइट से बिल्कुल टेस्टी टेस्टी से।
बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सर्दियों में अमरूद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सर्दियों में अमरूद। ये दूध पी लेती हूँ, चलिए उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी, जल्दी बनाऊँगी क्योंकि जल्दी बना लेती हूँ व्रत वाले दिन। तो मैं तकरीबन 6-7 बजे से पहले ही बना लेती हूँ, फिर पूजा भी करनी होती है, शाम के टाइम होती है पूजा प्रभु लक्ष्मी माता की। तो जी मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं सब्ज़ी में बनाऊँगी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। जो हमारा मतलब सोयाबीन होती है ना, इतनी हेल्दी होती है, बहुत हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए। और 32 बार फॉर्मूले में ये चीज़ भी है कि सोयाबीन से जो है हमारा वेट भी लॉस होता है और हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो मैं इनको गर्म पानी में भिगो दूंगी 10-15 मिनट के लिए। ये है ना, ऐसा इसे जो है सॉफ्ट हो जाएंगी काफ़ी। और ये आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, सुबह ही इसके लिए मैंने सूखे आलू, जीरा आलू बनाए थे जो उसको बहुत पसंद हैं। तो मैंने 3-4 आलू छोड़ लिए थे कि मैंने सोचा चलो शाम को सब्जी में काम आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च फ्राई कर रही हूँ जी। तो बहुत अच्छी लगती हैं हरी मिर्च खाने के साथ, बहुत टेस्टी लगती हैं और फ़ायदेमंद भी होती हैं हरी मिर्च। जो लाल मिर्च होती हैं उनको हम उसको हम टेस्ट के लिए मतलब डाल तो लेते हैं सब्जी में, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं करती है जी हमारा, सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं लाल मिर्ची होती हैं जो। तो जितना हो उसके लाल मिर्ची को अवॉइड करें और हरी मिर्ची का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो रोटियां मैंने बना ली हैं और मिक्स बनाई हैं गेहूं और बाजरा की, जो बहुत फ़ायदेमंद होती है। मतलब जितने भी टाइप का आटा होता है ना, अगर मिला के मिक्स करके हम रोटियां बनाते हैं तो हमारा वेट भी लॉस होता है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। और सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है देखिए, बहुत अच्छा कलर आया था। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा वेट बढ़ेगा ही नहीं, तो एकदम से फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर हम खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ों का भी ध्यान रख लेंगे ना, तो बहुत फ़ायदेमंद हो रहेगा हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। कई बार है ना हम लापरवाही कर जाते हैं हर चीज़ को करने में, तो वही लापरवाही जो है हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। और यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी और उसके बाद जो है हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, और मैंने जो माता रानी को भोग लगाया था खीर का, तो आप भी देखोगे कि मेरे यहाँ पर शुक्रवार वाले दिन तो खीर हमेशा बनती ही है और हर शुक्रवार को खीर बनाती हूँ मैं, क्योंकि माता रानी को ना सफ़ेद चीज़ जो होती है उसका भोग लगता है, तो मैं खीर ही बना लेती हूँ। और ज़्यादातर आजकल जो है मैं सर्दियों में सेवियों की खीर ही बनाती हूँ, जो बहुत बढ़िया होती हैं और गर्म भी होती हैं सेवियाँ, और हल्की भी होती हैं हमारी हमारे लिए और फ़ायदा भी करती हैं। तो बहुत सारे गुण होते हैं इसमें। चावल की खीर जो है हैवी भी हो जाती है और फिर जो है ठंडी भी होती है, शाम के टाइम खाते हैं तो नुकसान भी करती है सर्दियों में। चावल की खीर मतलब सूट सी कमी करती है। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का, वही बोल रही थी मैं, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं खाने पीने की का, तो हमारा वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो मैं इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान में रख के ही चलती हूँ, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को। तो खाना मेरा प्रॉपर मतलब तकरीबन बन ही चुका था, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है गाय माता के लिए रोटियाँ निकालती हूँ। तो क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, सबसे पहले जो दो रोटियाँ होती हैं गाय माता के लिए निकालते हैं व्रत वाले दिन। तो यहाँ पर मेरी प्लेट लग चुकी है और आजकल जो है मैं 32 बार फॉर्मूला अपना रही हूँ, जो काफ़ी फ़ायदा कर रहा है मुझे बहुत। मतलब एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना इस फॉर्मूले को, बहुत अच्छा है। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी, मेरा खाना लग चुका है, चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो।